नमस्कार दोस्तों, ई रिक्शा टेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप ये जो देख पा रहे हैं, हमारे पास जो एक कंट्रोलर है, जो अब तक के जितने भी कंट्रोलर्स आपने देखे होंगे उनमें से काफ़ी अलग है, जो कि एक न्यू मॉडल का एडवांस कंट्रोलर है। तो आज हम इस कंट्रोलर का रिव्यू करने वाले हैं और साथ ही यह बाकी कंट्रोलर से अच्छा है या नहीं, इसका लास्टिंग कैसा है और इसका मार्केट प्राइस क्या है, साथ ही इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ई रिक्शा में सबसे पहले जो कंट्रोलर्स आते थे उनमें वायर्स बाहर निकले हुए होते थे, उसमें जैसे कि 48 वोल्ट का पॉजिटिव नेगेटिव सभी वायर्स उस कंट्रोलर से बाहर निकले हुए होते थे। उसके बाद इंटेलिजेंट कंट्रोलर्स ने जगह बनाई जिसमें कि मोटर कंट्रोलर के वायर्स को जोड़ना इसमें आसान हो गया। इसके बाद अब सभी वायर्स को हटाकर वायरलेस कंट्रोलर बना दिया गया है। तो वायरलेस का मतलब यह नहीं कि यह बिना वायर के काम करता है, वायरलेस का मतलब यह है कि इस कंट्रोलर में एक भी वायर्स आपको देखने को नहीं मिलता है, जितने भी इसमें वायर्स आएंगे सभी जैक के माध्यम से इसमें लग जाएगा। तो इस प्रकार के कंट्रोलर ज़्यादातर ई बाइक्स स्कूटी में देखने को मिलते थे। जो बैटरी वाली बाइक्स और स्कूटी होती है उन्हीं में ज़्यादातर ये कंट्रोल देखने को पहले मिलते थे। अब ई रिक्शा कंपनियाँ भी इन कंट्रोलर्स को इस्तेमाल करने लगी है। तो हमारे पास ये जो कंट्रोलर आप देख रहे हैं ये 48 वोल्ट का 55 एम्पियर का 1200 वाट का कंट्रोलर है, जो कि काफ़ी हैवी कंट्रोलर है। तो पेचकस के माध्यम से इसके टॉप में जो दो स्क्रू लगा हुआ है इसको हम लोग खोल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग पहले खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो टॉप का जो ये कवर था वो खुल गया है। तो अब इसमें 48 वोल्ट का पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है और मोटर्स के जो तीन वायर्स आते हैं वो कौन सा है, तो इसका पता करने के लिए आपको इसमें सिंपल सा एक इसमें दिया गया है। सामने जो स्टिकर लगा हुआ है आप उसके अनुसार भी देख सकते हैं। ये जो ब्लैक जो दिख रहा है, ये जो ब्लैक स्टिकर के सामने जो दिख रहा है ये 48 वोल्ट का नेगेटिव है और उसके बाद दूसरा वाला जो है वो 48 वोल्ट का पॉजिटिव है। तीसरा जो कनेक्शन होगा वह मोटर के ग्रीन वायर का होगा और चौथा कनेक्शन मोटर के ब्लू वायर का होगा और पांचवा और आखिरी कनेक्शन मोटर का पीला वायर के साथ इसका कनेक्शन होगा। तो स्टिकर के अलावा इसमें नीचे में भी इसका मार्क दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप यदि ध्यान से इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का साइन इसमें दिया गया है। इस कंट्रोलर्स में नेगेटिव का साइन देखिए इसमें दिया गया है, ये है नेगेटिव, यानी कि ये पहला जो इसमें है नेगेटिव, ये दूसरा जो है अब ये पॉजिटिव है और तीसरा जो अब ये जो देख रहे हैं इसमें W लिखा हुआ है तो ये इसमें ग्रीन है। चौथा देख रहे हैं आप इसमें V लिखा हुआ है तो ये ब्लू है और पांचवा आप देख रहे हैं U लिखा हुआ ये येलो है। तो कुल मिलाकर इस कंट्रोलर का मेन कनेक्शन जो है यहाँ पर है, उसके अलावा एक्सलेटर सेंसर बाकी वायर्स का कनेक्शन भी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं उस तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक 6 पिन का सॉकेट है, एक 16 पिन का सॉकेट है और एक 8 पिन का सॉकेट है। तो कुल मिलाकर इसमें 3 स्लॉट दिए गए हैं। तो पहला स्लॉट जो आप देख पा रहे हैं 6 पिन वाला, यह हमारा हॉल सेंसर का है, मोटर के हॉल सेंसर का वायर इसमें लगेगा। तो इसमें मोटर के जो हॉल सेंसर का 6 पिन वाला जैक है वो सीधा आकर जो है इसमें लगेगा और बीच वाला सॉकेट कर दिए हम लोग छोड़ दिए। तो ये आखिरी जो 8 पिन का सॉकेट है ये हमारा एक्सलेटर इग्निशन चाबी इन सब का वायर है। इस कंट्रोलर के साथ जो वायरिंग होता है उसका सॉकेट भी काफ़ी अलग होता है और वो सॉकेट इसमें आसानी से फिट हो जाता है। तो आप जो बीच के जो 16 पिन देख रहे हैं, इन 16 पिन्स में स्पीड वायर, मीटर का वायर, सभी वायर्स जो है इसमें लगने वाले हैं। तो इसका कंट्रोल का वायरिंग देखने में मुश्किल है लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। इन कंट्रोलर के जैक में देखेंगे तो आप इनका सभी इसमें दिया हुआ रहता है कि कौन सा वायर कौन सा पिन किस चीज़ के लिए है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बात हो गई इस कंट्रोलर की। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसका प्राइस क्या होगा। तो आपको बता दें कि
नॉर्मल कंट्रोलर से इस कंट्रोलर का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी आप समझ गए होंगे कि ये कंट्रोलर जो है नॉर्मल कंट्रोलर्स की तरह भी, या कंट्रोलर भी वैसा ही काम करता है जो 48 वोल्ट 55 एम्पीयर का नॉर्मल कंट्रोलर होता है। तो ये भी सेम कंट्रोलर है, इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो सिर्फ देखने में यह अलग लगता है, लेकिन काम इसका वही है जो आपका नॉर्मल कंट्रोलर करता है, या फिर जो आपकी गाड़ी में लगा हुआ कंट्रोलर है जो काम वह कर रहा है, यह भी वही काम करेगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपका कुछ इसमें सवाल है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।